फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 6750 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. सो दैट मीन्स हियर इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन यू योर माइंड मस्ट कम टू दिस दैट 6750 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. अगर क्वेश्चन को समझे होगे तो दिमाग में यही समझ में आया होगा कि 6750 परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है कि इसमें कौन सा छोटा नंबर जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जा कर के ये प्रोडक्ट पूरा जो बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब का बनेगा. समझे क्वेश्चन को? हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 6750 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो ये नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कौन सा इसमें सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके वजह से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ये है हमारा क्वेश्चन. समझे? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट डाउन द गिवन थिंग. व्हाट इज़ द गिवन थिंग हियर? गिवन नंबर इज हाउ मच? गिवन नंबर इज 6750. नाउ यूज़ योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज यू यूज टू डू इन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड व्हाट वी विल डू? वी विल ट्राई टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6750 एंड वी विल वॉच इट विच नंबर इज नॉट मेकिंग ट्रिपलेट because it is a cube. Number is told to make it a perfect cube. So let us divide it by 3. Is it divisible by 3? Divisibility rule, if you remember, sum up all the digits, that is 6, 6, 12, 13, 13 plus 5, 18. Yes, it is divisible by 3. 3, 2s are 6. 3, 2s are 6. 3, 5s are 15. Then 0. Now, again, is it divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. 3 7s are 21, 3 5s are 15, 0. Again, is it divisible by 3? Yes, it is divisible. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 0. Now, make it go with 5. Last digit is 0, make it divisible by 5. 5 5s are 25, 0. Again, 5 10s are 50. Again, 5 2s are 10. Now, further we can't go. So what we have to do, we have to write down here that the prime factors or the products of 6750 is equal to, this is equal to what? 3 plus 3, that is 3 into 3 into 3. Then again we have 5 3 plus 5 into 5 into 5. Again we have single 2. So if you see, this 3 is making triplet, this 5 is making triplet. Which number is not making triplet? 2 है ना. 2 ट्रिपलेट बना ही नहीं पाया. 2 को ट्रिपलेट बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए और कितना नंबर चाहिए? 2 पीस और 2, एक ही पीस है ना, टोटल 3 पीस होना चाहिए. तो एक पीस 2 है और कितना 2 दोगे इसको? 2 पीस और 2 देंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, द स्मॉलेस्ट नंबर हम पता कर चुके हैं. क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर to be multiplied is equal to, कौन सा नंबर है जो कि नहीं बना पाया परफेक्ट क्यूब? तो ट्रिपलेट कौन नहीं बना पाया? 2. कितना पीस 2 और देना पड़ेगा? 2 पीस 2 और देना पड़ेगा. एक 2 तो है इसके पास, और कितना दोगे? 2 पीस दोगे. तो नेट 2 टोटल कितना बन जाएगा? 2 2 सर 4. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो उसमें मल्टीप्लाई होगा वो कौन होगा? 4 होगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 4. सो एज द गिवन नंबर विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब. इज इट क्लियर? यहाँ क्वेश्चन बोला था कौन सा छोटा नंबर जो है उसमें मल्टीप्लाई होगा जिसके वजह से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो हमने क्या किया? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, उसके बाद उसका ट्रिपलेट्स को आप ग्रुपिंग किया, देखा कि एक जिनका कंप्लीट नहीं हो पाया ट्रिपलेट्स, उनको एक्स्ट्रा नंबर दे करके उनका ट्रिपलेट को कंप्लीट करवाया जाएगा. तो हमने 2 पीस और 2 इसमें इंक्लूड कर दिया जिसके वजह से 2 2 सर 4 प्रोडक्ट हो गया. और यही स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब बनवा देगा 6750 को. यहाँ तक था, ठीक है? और अगर मान लो क्वेश्चन बोल देता है कि फाइंड द परफेक्ट क्यूब ऑल्सो, तो हमने 6750 में 4 को मल्टीप्लाई कर देना था, है ना.
उसके बाद रूट बोलता है निकालने के लिए, तो हम उसका रूट वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये आगे चल करके पढ़ेंगे, तो बस यहाँ तक हमको जानना था इस क्वेश्चन में। इज़ इट क्लियर? मेक इट फास्ट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। डिवाइडेड में भी यही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, डिवाइडेड में बस जो नंबर डिविजिबल नहीं हुआ उसे डिवाइड में भेज देना है। ठीक है,